नमस्कार, मैं हूं सुखा। निर्भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 10 दिन बाद मसीतावाली हेड के पास से मिला पिता पुत्री का शव, मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम। रसलाना विधेयक में नोहर फीड रेगुलेशन को लेकर बैठक, सिंचाई पानी चोरी का मुद्दा रहा हावी। माकपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, विधानसभा चुनावों के अनुभवों को किया साझा। प्यारी बहन संस्था करेगी छात्राओं का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर होगा कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। 2 जनवरी को इंदिरा गांधी नहर में कूदकर आत्महत्या करने वाले पिता पुत्री का शव तलाश करने में आखिरकार पुलिस को सफलता मिल ही गई। शवों की तलाश में पुलिस और परिजन करीबन 10 दिनों से लगे हुए थे। शुक्रवार रात्रि मसीतावाली के पास दोनों के शव बरामद हुए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला 3 जनों के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिरकार क्षेत्र की मसीतावाली हेड के पास इंदिरा गांधी मुख्य नहर से शुक्रवार को पिता पुत्री का शव मिल ही गया, जिसे पुलिस व परिजन 10 दिन से तलाश कर रहे थे। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शवों का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 2 जनवरी को पिता पुत्री इंदिरा गांधी नहर में गिरे थे। हनुमानगढ़ सदर थाना अंतर्गत गाँव सहजीपुरा निवासी संदीप जाट व उसकी पुत्री कल्पना की कार, मोबाइल व जूते 2 जनवरी की सुबह इंदिरा गांधी मुख्य नहर के किनारे बरामद हुए थे। मसीतावाली हेड से करीब 2 किलोमीटर आगे नहर किनारे उनका सामान मिलने के कारण पिता पुत्री के नहर में गिरने की आशंका जताते हुए पुलिस व उनके परिजनों ने नहर में उनकी तलाश की जा रही थी। वहीं बताया गया कि संदीप जाट के परिवार को गाँव के ही 2-3 लड़कों द्वारा तंग परेशान किए जाने से वह दुखी था। लड़कों द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ के चलते उसने यह कदम उठाया है। सहजीपुरा सरपंच जंटा सिंह सहित ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सहजीपुरा से कई दिन पहले लगभग 2 तारीख को संदीप कुमार जाट और उसकी पुत्री लड़कों से तंग आकर छेड़छाड़ की वजह से नहर में कूदे थे और रात करीबन 12:30-2 बजे के बीच दोनों को डेड बॉडी मिल गई थी और अभी हॉस्पिटल मोची रूम में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया है और पुलिस अधिकारियों से भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो लड़के हैं छेड़छाड़ के दोषी, उनको सख्त से सख्त सजा मिले और यही मांग करी है ग्रामीणों ने। ये घटना हुई है बाप बेटी की, ये हमारे गांव के लिए नहीं पूरे मतलब देश के लिए गंभीर घटना है। इसको लेकर पुलिस ने हमारे को ये आश्वासन दिया है वे इसमें पोक्सो की कार्रवाई करेंगे और उसमें मुकदमा दर्ज करेंगे और इस लड़की को और उसके जो है ना परिजन, उन परिवारजनों को सहायता दिलाएंगे सरकार से। सदर थाना प्रभारी जगदीश पांडे ने बताया कि गांव के ही 3 जनों के खिलाफ आत्महत्या के दुष्प्रेरण के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले तो शवों की तलाश की जा रही थी, पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। दिनांक 2/1/2019 को सहजीपुरा निवासी संदीप कुमार एवं उसकी पुत्री कल्पना ने इंदिरा गांधी मुख्य नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। इतने दिन गोताखोरों से और पुलिस ने परिजनों ने सबने मिलकर तलाश करी, आज रात को डेड बॉडी मिली जिनका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और शव है वो परिजनों को सौंप दिए गए। इसमें वो जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी हो गई क्या सर? अभी तफ्तीश चल रही है, अभी आज डेड बॉडी मिली है, आगे हम तफ्तीश बढ़ाएंगे। मामला आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया, मुकदमा दर्ज हो चुका है 4 तारीख को और आत्महत्या के दुष्प्रेरण में उसमें तफ्तीश चल रही है। स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस और करियर डे के रूप में मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में टाउन राजकीय स्कूल में संस्था प्रधानों की कैरियर गाइडेंस को लेकर कार्यशाला हुई, जिसमें संस्था प्रधानों को ट्रेन किया गया ताकि वे स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर सकें। तो नेशनल यूनिवर्सिटीज, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIMs, IITs, AIMS, NIT, IIIT, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज, निजी कॉलेज, इतने प्रकार का बाइफर्केशन करके आप उन विश्वविद्यालयों से लेकर के स्कूल्स तक की सूचियां बच्चों से बनवा सकते हैं। कोर्सेज की भी स्थिति यही है। पहले एक जमाना था जब इंटीग्रेटेड कोर्सेज में सिनेरियो बदला, बच्चे बहुत जाते थे। अब मैं देख रहा हूं पिछले 2-3-4 साल में
शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हैं, एक दो वर्ष वाले, छह महीने, आठ महीने, दस महीने वाले डिप्लोमा, ये कुछ बच्चे उनकी तरफ उनका रुझान ज्यादा है। पांच वर्ष या साढ़े पांच वर्ष वाले कोर्सेज के लिए वो अभी अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते। ऐसा सिनेरियो बदल गया उनका, क्योंकि एक बात देखनी होगी हमें, आप रुचि उस बच्चे की जान करके ही तो उसका निर्देशन करेंगे, उसकी गाइडेंस करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। करियर डे के रूप में भी मनाया जाता है हर वर्ष, और राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, तो देश के युवा जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, जिनका कि आगे अपने जीवन में जो भी करियर वो बनाना चाहेंगे, जैसा भी उनका क्षेत्र वो रुचि के अनुसार, उसके अंदर उनके क्या क्या उनके स्कोप हो सकते हैं अपनी रुचि के संबंध में, अपने ज्ञान के संबंध में, अपनी योग्यता के संबंध में, उससे संबंधित क्या क्या आगे उनके क्षेत्र में जाने की संभावनाएं हैं, उनको थोड़ा इस बारे में हम ज्ञान प्राप्ति करेंगे और आगे उनको बताएंगे भी। यहाँ जैसे वार्ताएं हो रही है, वैसी वार्ताएं हम स्कूलों में भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिस क्षेत्र के जो लोग विशेषज्ञ हैं वो लोग आकर के अपने क्षेत्र के बारे में बताएं, युवाओं को उसके बारे में जानकारी भी हो। और वो स्कूल हैं, उनके प्रधानाचार्य इकट्ठे हुए हैं, जिससे कि अपने स्कूल में जितने भी बच्चे प्लस टू पास करके जाएंगे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम लाइन कौन सी पकड़ें, किस तरफ जाएं, तो सबसे बड़ी समस्याएं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। और कैरियर इतना जो गाइडेंस है, इतने इम्पोर्टेंट एक ये एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन है, कि इसमें ये अगर जब तक हम इसको टाइम टेबल का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो फिर ये होता है, ठीक है ना। ये रेगुलरली जैसे दूसरी चीज़ों का पीरियड लगता है, तो कैरियर गाइडेंस का भी एक नियमित पीरियड होना चाहिए, और एक टीचर को कम से कम जो है वो बढ़िया शानदार एक ट्रेनिंग जो है वो कम से कम 15 दिन वाली जब मिनिमम ट्रेनिंग पूरी करके वो व्यक्ति जो है हमेशा जो है स्कूल में वो गाइडेंस के लिए बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। जी हाँ जी। तो आप लोग करियर डे जो कि 12 जनवरी को श्री विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उस हेतु पूर्व प्रशिक्षण यानी कार्यशाला, तो आज हमारे विद्यालय में हनुमानगढ़ जिले के समस्त संस्था प्रधानों की कार्यशाला आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 12 जनवरी यानी कैरियर डे विद्यालयों में किस तरह से मनाया जाना है, उसके बारे में हमारे वार्ताकार हैं, पांच वार्ताकार हैं इसके अंदर, श्री तेज कुमार जी, श्री पवन कुमार कौशिक जी, जेडी सर जो कि संग्रिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ से आए हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें जो हैं विद्यालय के अंदर किस तरह से करियर डे मनाया जाए, विद्यार्थियों को करियर के बारे में कैसे जागृत किया जाए के बारे में बताया जा रहा है। माकपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जिला मुख्यालय पर हुआ। आयोजन का उद्देश्य था विधानसभा चुनावों के पार्टी उम्मीदवारों के साथ अनुभव साझा करना। इसके साथ ही पार्टी की आगामी रणनीति पर भी चर्चाएं की गई। इस मौके पर हनुमानगढ़ के भादरा से विजयी बलवान पुनिया का सम्मान भी किया गया। बलवीर राम जी, हमारे साथी नेता बलवीर राम जी, अनाज मंडी टाउन के तमाम साथी, प्रकाश जी बादल और तमाम मेंबरदार साथी, चाहे वो देवी सिंह जी हो, बात करेगा हनुमानगढ़ के किसान की, बात करेगा हनुमानगढ़ के मेहनत कश वर्ग की, बात वहाँ विधानसभा में राजस्थान की उस पंचायत में बात करेगा। यही बात हमारे लाल झंडे के सिपाही की है। बोले बात तो ठीक है, पर डॉक्टर साहब के पास क्या था क्या बन गया। और विनोद कुमार जी पीछे भी विधायक रहे, कुछ दिन मंत्री रहे, पर मंत्री रहने के बाद भी किसान सड़कों पे आया, और जब डॉक्टर साहब को मंत्री बना दिया उस समय भी किसान और मेहनत कश वर्ग सड़कों पर आया, पर उसकी अगुवाई आप लाल झंडे के उन क्रांतिकारी साथियों ने की, और आगे भी संघर्ष को बढ़ाना है। निराशा की कोई बात नहीं, पंजाबी च कहते हैं कि धड़ वट जवाना कट पले दिन आउणगे, ये पले दिन फिर हो जाएंगे। जनता ने जो फैसला दिया है, जो हनुमानगढ़ जिले से जो विधायक हमारे चुनाव जीते हैं उनसे रूबरू होना, और दूसरा सवाल ये था कि इस चुनाव के संदर्भ में जिन लोगों ने रात दिन मेहनत की है, पूरी
ईमानदारी के साथ इस चुनाव को लड़ा है। ये चुनाव कहीं भी ये नहीं था कि हम चुनाव में नहीं थे, पूरी तरह से तमाम जो पार्टी के साथी थे उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लिया है। हमारे जो मित्र थे उन्होंने बहुत मेहनत की है, पर असल सवाल ये है कि हमारी जो पार्टी है ये पार्टी चुनाव आधारित पार्टी नहीं है। इस पार्टी का जो कार्यक्रम है वो ये भी नहीं है कि हम चुनाव के द्वारा देश के अंदर सत्ता पलटेंगे। हमारा मानना ये है कि इस देश के अंदर हुकूमत पूंजीपतियों की है। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है, जिसमें चुनाव की जो विधानसभा चुनाव है उनकी चर्चा है, साथ में जो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं खड़े हुए थे उनको यहाँ वो आए हैं, अपने अनुभव और अपनी जो नीतियाँ हैं और किस तरह आगे कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाना है उसको लेकर आज ये मंथन और ये चर्चा हो रही है, और जिसके अंदर तमाम जिले के जो मुख्य जो जिला कमेटी के साथी हैं वो सारे यहाँ पहुँचे हैं, जो उनकी आगे पार्टी किस तरह से आगे बढ़े। अभी बादरा से जो विधायक जीते हैं बलवान जी पूनिया, इसके अलावा और जगह भी पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो उन वो सारे यहाँ आज इकट्ठे हो रहे हैं, उनका यहाँ सम्मान कर रहे हैं बलवान जी पूनिया का, और हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों ने जो सहयोग किया है कम्युनिस्ट पार्टी को उनको तमाम पूरे जिले के साथियों का क्रांतिकारी हम धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद बैठक यहाँ बुलाई। माकपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे भादरा विधायक भलवान पूनिया, उन्होंने अपने अंदाज में कार्यकर्ताओं से बात की। उनका कहना था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक जैसी सिर्फ चेहरे पतले हैं। वहीं उन्होंने हर वर्ग के विकास को लेकर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आमजन के नेता हूं और आमजन की समस्याओं को लेकर ही काम करूंगा। आपको सुनाते हैं विधायक बलवान पूनिया। आपने भादरा की जनता द्वारा चुने हुए विधायक का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम जिले के तमाम तहसीलों के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया है। ये स्वागत ना सिर्फ एक अभिनंदन कार्यक्रम है, ये स्वागत का कार्यक्रम हमारे संघर्षों को और आगे बढ़ाने की ऊर्जा देता। मुझसे उम्मीद है कि मैं जिले के आंदोलनों को आगे बढ़ाऊं, मुझसे मेरी तहसील की जनता उम्मीद करती है कि पूरा इलाका किसानी का है, किसानों में हम और बेहतर तरीके से काम करें। मुझसे उम्मीद करते हैं नौजवान कि मैं उनकी बात विधानसभा में भी करूं और संघर्षों के माध्यम से उनके रोजगार के सवाल, उनकी नौकरी के सवाल, उनके दूसरे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हम संघर्ष को आगे बढ़ाएं। हम सब पार्टी के लोगों पर, लाल झंडे के लोगों पर, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, समाज के हर दबे कुचले वर्ग के लिए संघर्षों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम पूरे हौसले के साथ जनता के साथ न्याय हो इस न्याय के संघर्ष को आगे बढ़ाने का न सिर्फ वादा करेंगे बल्कि इन संघर्षों को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हमारे लिए विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हम किसान को साथ ले चुके थे, हम नौजवान की आवाज पिछले 18 साल में बढ़ चुके थे, इसलिए वहां विधायक बनना या राजनीतिक रूप से जनता को साथ लाना सिर्फ एक ही चुनौती थी। वो चुनौती ये थी कि हमारा दामन कामरेड चौपत सिंह की तरह पाक साफ दिखे, हमारा दामन पारदर्शी रहे, हम जो कहें जनता के बीच वो हम करते रहें, तो हमारे लिए एमएलए बनना मुश्किल नहीं था और हम वो चीज हासिल कर पाए।
हमारे हनुमानगढ़ जिले में सारी विधानसभाओं में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का ठोस मूल्यांकन करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस कदर काम करे कि हमारा लक्ष्य जनता की जन क्रांति के साथ साथ लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का भी रहे। उसके लिए पार्टी के अगुवा दस्ते पर, पार्टी के पदाधिकारियों पर और गंभीर जिम्मेदारियां बढ़ जाती। टाउन के प्रेम नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सर दरबार में सरबंस अदानी गुरु गोविंद सिंह महाराज के 352वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंच संपन्न हुआ। इस दौरान सत्संगत में काफी उत्साह देखा गया। आकर्षक ढंग से सजी गुरु की पालकी, शब्द कीर्तन करती सात संगत, उत्साह से लबरेज सैकड़ों का हुजूम, ये दृश्य था पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन का। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े के उपलक्ष्य में प्रेम नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सर से नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन टाउन के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जहां जगह जगह नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। इस दौरान संगरिया से आई गतका पार्टी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। गतका पार्टी की ओर से बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई। प्रकाश उत्सव मनाया गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखा के 10वें गुरु सन और इन्होंने सानू ये संदेश दिता कि सानू जुलम ना सहना चाहिए है, तो ना ही सानू जुलम दूजा तक करना चाहिए है। जेड़ा साडे जुलम करे वो खिलाफ आवाज़ उठाने वास्ते उन्होंने सानू अपनी रक्षा करने वास्ते सानू सिखाया कि हमेशा अपनी रक्षा करो और दूजा की भी रक्षा करो। और इस वास्ते सानू उन्होंने गतका भी सिखाया, अमृत की दात भी उन्होंने सानू दी है और असं अज भी उन्होंने संदेशों से चल रहे हैं। सानू साढ़े सारे समाज में गुरु गोबिंद सिंह जी का ऋणी होना चाहिए, सानू उन्हों का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने सानू इस काबिल बनाया, सानू ये चीज़ा सिखाइया कि असी समाज की रक्षा कर सकी।
तो ना जुलम सही है ना किसी का जुलम करिए। प्रेमनगर गुरद्वारा साहब के नगर कीर्तन निकालिया गया जिहड़ा सन सिटी होंदे होया नवी आबादी बारह एच एम एस तो होंदे हुए यह हुण अगे टाउन जिहड़ा सिंह सभा गुरद्वारा ते जाके समाप्ति होगी। कीर्तन नाल संगतां नूं निहाल किया जाता नगर के नगर कीर्तन करते हुए गुरु जी दीआं दित्ते हुए उपदेशां नूं सारिआं नूं इस तों अवगत कराया जाता। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। एसडीएम सुरेंद्र पुरोहित की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियों पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह को भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारियां चल रही हैं। जिला स्तरीय मुख्य समारोह राजीव गांधी स्टेडियम में होगा। इस संबंध में एसडीएम सुरेंद्र पुरोहित ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में परेड मार्च पास्ट को लेकर व्यवस्थाओं सहित विभिन्न स्कूलों के बैंड द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुतियों संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में पांचों राज्यों से आ रही टीम द्वारा करीबन पौने घंटे की प्रस्तुति दी जाएगी। इस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में पीएचईडी चिकित्सा ग्रामीण विकास कृषि विभाग जल संसाधन महिला एवं बाल विकास शिक्षा इत्यादि विभागों की ओर से झांकियों के प्रदर्शन को लेकर भी व्यवस्थाएं बनाने के लिए कहा गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक समारोह का आयोजन टाउन स्थित रंगमंच पर किया जाएगा, जिसमें पांच राज्यों से आ रही कला जत्था की टीम के आयोजन को लेकर तैयारियों पर चर्चा करते हुए जिम्मेदारियां तय की गई। मोदी के निर्देशानुसार जो पूर्व में मीटिंग हुई थी 26 जनवरी की तैयारियों के संबंध में, उसमें जिन जिन कार्यों के लिए मुझे प्रभारी नियुक्त किया गया है उसके संबंध में एक मीटिंग आज सभी अधिकारियों को बुलाकर की गई। उसमें हमने जैसे मार्च पास्ट व्यायाम सामान्य व्यवस्था यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में उसके संबंध में सभी संबंधित को बुलाकर हमने मीटिंग की उसमें और सबको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आरओ नगर परिषद को भी बुलाया गया था और उनको भी आवश्यक दिशा निर्देश इसमें प्रदान किए गए। कुछ एक दो एक्टिविटी और जो जोड़ी जानी है जैसे पी आर ओ साहब ने सुझाव दिया था उसमें वो भी हम चाहते हैं कि इसके अंदर इस बार जो पिछली बार 15 अगस्त में की थी वैसी एक एक्टिविटी और इस बार की जाए। पश्चिमा लाभ वाले वहाँ से आ रहे हैं उदयपुर से, काफ़ी बड़ी टीम है उनकी, 90 के लगभग कलाकार हैं उनके, तो 26 जनवरी से पूर्व अलग अलग उपखंडों में जाकर अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे और सांस्कृतिक संध्या उनकी जो है 26 जनवरी की पूरी संध्या पर आयोजित की जाएगी। उनको भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हुए 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए, एमएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एमकॉम, एबीएसटी, एमए ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। रतलाना वितरिका में नोहर फीडर रेगुलेशन को लेकर बैठक नगर पालिका टाउन हॉल में हुई। बैठक में विधायक अमित चाचा, कृष्णा पुनिया, बलवान पुनिया उपस्थित रहे। बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सिंचाई पानी चोरी का मुद्दा हावी रहा। विधायकों ने अधिकारियों से अपने रवैये को सुधार करते हुए किसानों का सहयोग करने की मांग की। एक दो से काम चला लेंगे, मेरे को तो 16 चाहिए, चार चार का मैंने उसमें रखा हुआ है, 16 से काम चला लेंगे, चार चार की मुझे परमानेंट रखना होगा। चोरी रुकनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए कि नीचे से ही खुदाई करके पाइप गली में है। 50 दे रहे हैं ना, तो आपको 50 को आपको सुबह और शाम की शिफ्ट अलग अलग से लेना होगा। मेरा रात को 50 देने क्या प्रॉब्लम है? मिलते नहीं पुलिस, अब आपको मिल रही है पुलिस, आप कहते हो बड़ा दे दो, आप बड़े से बोल रहे हैं। लेकिन मैंने बात नहीं है, जो आपके क्षेत्र के जो आपके अधिकार में वो लागू होने चाहिए, कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, पानी की चोरी रुकनी चाहिए। और पहले से मेरे साथ बात कर रही है ना, इनको बात करने दीजिए। चोरी रुकनी चाहिए, आपको आरएसी के जवान हम दे रहे हैं, आप हमारे पास लेटर भिजवाइए, लेकिन कार्रवाई करवाना क्षेत्र का अधिकार आपका है, वो कड़ी कार्रवाई आप करवाएंगे। रहेगा
एक्शन साहब कहीं से लाओ, किसी को लगाओ पांच दिन। अरे कर्तार सरपंच साहब, अभी तय हुआ है कि पांच दिन शुरू में आपके यहाँ पानी रहेगा, तब आपका बैलदार तो रहे और जयन करे वाचिंग, बात खत्म। सर वेकेंट पोस्ट है, तो टैल करिए बताए कि इतना पानी है, अवेले पूछे तो एसडीएम साहब पूछे तो दूसरी बात जो आपने हमें जो दी है पहले पांच दिन में जो टैल तक पानी पहुंचाने वाली जो पहली आपने सूची दी थी ये सूची हमें मंजूर है, ठीक है। तीसरी बात आपने आरएसी के जवान दिए 50 आरएसी के जवान हम उपलब्ध कराएंगे। मैडम 15 जवान मेरे को चाहिए और हेडक्वार्टर ढाकरा चाहिए। मैं कह रही हूँ आप लेटर भेजो, इसे लेके मैं साथ चला रहा हूँ। पूरे पानी को लेकर के आज की बैठक में प्रस्ताव लिया गया है कि नोर बादरा के हिस्से का पूरा पानी लिया जाए और हर किसान के जिसका जितना हिस्सा बनता है उसके खेत तक पानी पहुंचे, उसको लेकर के आज शुरुआत पहली मीटिंग है। तीनों विधायक भी नए हैं, हम भी नए हैं, दोनों विधायक और भी नए हैं। प्रशासन को हौसला कराया है कि आप हर किसान को पानी पहुंचाएं, उसके लिए जो जो संसाधन सिंचाई महकमे को जरूरत पड़ेगी हम सरकार से उनको दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे और किसान के खेत तक पानी पहुंचाएं। नहर वितरिका है ना जो हरियाणा से अपने आती है भादरा और अमर सिंह और सिद्धमुख कैनाल तीनों के लिए, तो उसके ऊपर थी और वितरिका में पानी की डे वाइज बांटा गया है कि कितने दिन के लिए हमें पानी बांटा जाएगा किसानों के लिए। और उसके साथ साथ मुख्य मुद्दा जो है, अगर मैं खुद जहां जिस क्षेत्र से आती हूं राजगढ़ क्षेत्र से, वहां पर सिद्धमुख कैनाल की अगर मैं बात करती हूं तो चोरी की वजह से अभी तक किसानों को पानी देखने को ही नहीं मिला है, और जबकि हमें पर डे 70 क्यूसेक के हिसाब से पानी वहां पर उस नहर वितरिका में चले तो हमारी काफ़ी लैंड भूमि जो है वो पानी वाली हो सकती है, तो इसके ऊपर खास तौर पे चर्चा की गई है। नहीं अभी पानी तो ये 550 क्यूसेक डिसाइड है, आज का जो उद्देश्य तो ये ग्रुप विभाजन को लेकर था। नहीं ये सही है, टेल पे पानी पहुंचने में दिक्कत है क्योंकि इसका मुख्य कारण काफ़ी भारी मात्रा में पानी चोरी होना है, जिसके लिए सारे मिलकर प्रयास करते हैं। रसरणा वितरिका के आज जो रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग हुई है उसका किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष होने के नाते हम इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हमें 15 दिन में पानी मिलता था, अब हमें 7 दिन ए ग्रुप चलेगा, उसके बाद 16 दिन नहर बंद रहेगी, उसके बाद ए फिर बी और फिर सी में चलेगा, यानी 40 दिन के करीब पानी मिलेगा बाद में, तो किसानों की फसलें चौपट हो जाएगी। हम इस रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। उदयपुर में आयोजित 14 वर्षीय मिनी सब जूनियर बॉयज स्टेट हॉकी प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने विजेता रहकर हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया। शुक्रवार को विजेता खिलाड़ियों के हनुमानगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा खिलाड़ियों का जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। हॉकी राजस्थान के तत्वावधान में उदयपुर के BN विश्वविद्यालय में आयोजित 14 वर्षीय मिनी सब जूनियर बॉयज स्टेट हॉकी प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के खिलाड़ी विजय रहे, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है। शुक्रवार को विजेता खिलाड़ियों के हनुमानगढ़ आगमन पर खेल प्रेमियों द्वारा खिलाड़ियों का जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। टीम कोच हरवीर सिंह ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले की 14 वर्षीय हॉकी टीम ने फाइनल उदयपुर को हराकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। उन्होंने बताया कि फाइनल मैच हनुमानगढ़ बनाम उदयपुर के बीच खेला गया, जिसमें मैच ए में दोनों टीमें बराबर रही। इसके पश्चात टाई ब्रेकर में हनुमानगढ़ ने 4-1 के अंतर से उदयपुर को हराकर विजय खिताब अपने नाम किया। शुक्रवार को विजेता खिलाड़ियों का जंक्शन रेलवे स्टेशन पर संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी, पंजाबी सभा अध्यक्ष सादा सिंह खोसा, डॉक्टर बी के चावला, जसप्रीत सिंह जेपी आदि खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। आज हनुमानगढ़ के लिए बहुत हर्ष की बात है कि हनुमानगढ़ की अंडर 14 टीम जो गत वर्ष मिनी सब जूनियर स्टेट प्रतियोगिता राजस्थान द्वारा आयोजित में सेकंड स्थान प्राप्त करके आई थी और इस बार ये टीम प्रथम स्थान प्राप्त करके आई है। मैं हनुमानगढ़ के सभी खिलाड़ियों और का बहुत बहुत स्टेशन पर बधाने पर स्वागत करता हूँ। हनुमानगढ़ की टीम ने इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहला मैच चित्तौड़ के साथ था जिसको 2-1 से हराने के बाद अलवर की टीम को 10-0 से हराया
उसके बाद भीलवाड़ा अकेडमी की टीम को 8-2 से हराया। उसके बाद फाइनल में इन्होंने उदयपुर को टाई ब्रेकर में 4-1 से हराकर प्रतियोगिता की विजेता बनी। हनुमानगढ़ टीम के जो खिलाड़ी हैं वो आसपास गांव से हैं, डंडेला सोनड़ी निर्वाल गांव से चयनित खिलाड़ी होकर इस टीम में गए थे इस बार। तो गत वर्ष सेकंड थे, इस बार फर्स्ट हुए, तो खिलाड़ियों में भी बहुत उत्साह है। शहरवासियों को भी अच्छा लगा कि हॉकी में लगातार मेडल आ रहे हैं। नशे से दूर करने के लिए जहां युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं युवाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो समाज सेवा को लेकर अग्रसर है और उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो समाज में रहते हुए समाज का ही माहौल बिगाड़ रहे हैं। समाज के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं नवयुवक समाज सेवा समिति के युवा। इन युवाओं ने इस तरह की एक समिति बनाई है जो समय समय पर समाज हित में काम करेगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से युवाओं को जोड़ा गया। समिति का यह पहला कार्यक्रम था जब जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के तहत लगभग 80 युवाओं ने रक्तदान किया। हमने एक संगठन बनाया है नवयुवक समाज सेवा समिति का, जिसके बीच हमने टीम एक ग्रुप बनाया है जिससे लोगों को हम सेवा दे सकें। जैसे हमने अब रक्तदान का शुरू किया है कि जिसको रक्त चाहिए उसको फ्री में हम डोनर कर सकें। इससे बहुत बड़ी टीम बनाएंगे, हर ज़िले में हर तहसील में हम इसकी टीम बनाएंगे और आगे भी सेवा देते रहेंगे। उसमें किशनपुरा दिखनादा मौन मगरिया और दौड़ीपाड़ के ज़्यादातर नवयुवक हैं जिन्होंने ये टीम बनाई है। इसका मूल उद्देश्य है भी जरूरतमंद को रक्तदान देना और पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए ये पौधे भी लगाएंगे और अन्य किसी जरूरतमंद को किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े उसमें ये तत्पर हाजिर रहेंगे। और इस नवयुवक सेवा समिति का आज ये पहला ही कार्यक्रम है जिसमें लगभग 80 नवयुवक ब्लड डोनेट करेंगे। जब निकल के इस तरह की प्रतिभाएं समाज सेवा में आगे निकलती है, आज जो टाइम है हमारे इलाके में वो विशेष तौर से नशे के लिए बड़ा एक बदनाम होता जा रहा है और ऐसे समय में अगर जब गांवों से निकल के युवा इस तरह का काम करने के लिए आगे आते हैं तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। हॉली ड्रीम्स कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में हुआ कार्यशाला का आयोजन, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए प्रशिक्षक ने बच्चों को स्ट्रेस फ्री शिक्षा देने की मांग की। इस अवसर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर प्रशिक्षित किया गया। हॉली ड्रीम्स कॉन्वेंट स्कूल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आई रश्मि मैडम द्वारा सभी शिक्षकों को बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के बारे में जानकारियां दी गई। उन्होंने बताया कि किस तरह बच्चों में स्ट्रेस को कम कर अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सकती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए साल की शुरुआत में निर्धारित पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए, वीकली लेसन प्लान होना चाहिए जो बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। उन्होंने बच्चों की स्किल के अकॉर्डिंग शिक्षा देने और हर बच्चे की स्किल की अलग अलग पहचान कर उसे विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया। So, मुझे बताइए, I'll read out the first definition. It says, learning is not a spectacular sport, it's an active, not a passive enterprise. इसका क्या मतलब है? What does it mean? Spectacular क्या होता है? स्पेक्टेक्युलर वो होता है जिसको स्पेक्टेटर देखते हैं। स्पेक्टेटर कौन होते हैं? स्पेक्टेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शक। दर्शक। आज होली ड्रीम्स कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक वर्कशॉप रखी गई है जिसके अंदर चारू मैडम दिल्ली से आए हुए हैं और उनके साथ हमारा पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और उनको सारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में और जो उनका बुक्स का प्रोसीजर है या जो टीचिंग का मेथड है उसकी एक कार्यशाला रखी गई है। उसके अंदर वो डिटेल से उन्होंने डिस्कस किया और उसके अंदर टीचर्स को बताया कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है और उनका फ्यूचर कैसे अच्छा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।